हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप सबको स्वागत है पोकेमॉन द फायर एस्केप के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हम जाएंगे उस जगह पर जहाँ पे हम पहले नहीं गए थे, उस जगह को जाकर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। और गाइस, मैं अपने पोकेमॉन्स के लेवल अप करता हूँ तो मतलब मेरे स्क्वाटल और बल्बसोर ना अपने आप ही मतलब इवॉल्व होने लगते हैं। तो मैं उनको करूँ या ना करूँ या मेरे को आप सजेशन देना। तो मेरे पोकेमॉन्स के लेवल भी आप देख लीजिए। मैंने चारिज़ार्ड को बस दो ही लेवल अप करा क्योंकि उसको करना भी मुश्किल हो रहा था लेवल अप, और वैसे भी वीडियो भी बनानी थी मेरे को, तो इसलिए मैंने फिर उसको ज़्यादा लेवल अप नहीं किया, बस 40 तक ही करा। और मेरा पिजियोटो भी मतलब इवॉल्व हो रहा था पर मैंने उसे नहीं किया। मैंने सोचा अगर वीडियो में कहीं बैटल हुई और उस पर इवॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, तो आपके सामने इवॉल्व हो जाएगा। और आप मेरे को ज़रूर बताना कि स्क्वाटल बल्बसोर को मैं इवॉल्व करूँ या ना करूँ। तो गाइस, जल्दी से अब बाहर चलते हैं, अब साइकिल लेके जल्दी से जल्दी नीचे चलते हैं। मैंने इसको भी हरा दिया है तो इसके आगे जल्दी जल्दी से चलते हैं, देखते हैं हमें क्या करना है। तो ये थोड़ा अटक रहा है तो मैं स्पीड को थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो इनसे थोड़ा बच बच के जाएंगे, तो इससे थोड़ा सा बच के निकलते हैं। तो हम इनसे बच के निकल गया फाइनली। तो इधर से जाके तो ये इधर से जाके देखते हैं, तो ये शायद यस और कैफ जिम वाले हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों की लड़ाई के बीच में आने के लिए। तो गाइस, अब जल्दी से इन दोनों को हरा देते हैं, तो देखते हैं इनके पास। हाँ, साइथर और इलेक्ट्रबज है, तो वैसे हमारे दोनों ही पोकेमॉन कमज़ोर है। साइथर को तो चलो किसी तरह हरा भी देंगे, पर इलेक्ट्रबज तो हमारे दोनों पोकेमॉन के ऊपर भारी है, मतलब भारी पड़ेगा, भारी मतलब वेट वाला नहीं। तो गाइस, हमारा पिजियोटो की तो हालत पतली हो चुकी है और स्क्वाटल भी बिल्कुल वैसे ही है, तो पिजियोटो तो फेंट हो चुका है। तो पिकाचू को भेजते हैं, पिकाचू देखते हैं क्या कर सकता है। तो देखते हैं गाइस कि हमारा पिकाचू इसे हरा पाता है या नहीं हरा पाता। तो हमारा पिकाचू तो खुद ही फेंट हो गया, तो पिकाचू तो बच नहीं पाया गाइस। तो अब हम चारिज़ार्ड को भेजते हैं, चारिज़ार्ड तो हरा ही देगा। तो गाइस, इसने साइथर को तो हरा दिया है, पर इलेक्ट्रोबस को देखते हैं इलेक्ट्रोबस को हरा पाता है नहीं। तो बल्बसोर को भेजते हैं, अब हमारे सारे पोकेमॉन दोनों ने ख़त्म कर दिया है, तो एयर स्लैश मारते हैं। तो इसने थंडर पंच मारा है, तो रेजर लीफ से नहीं गया यार। तो एयर स्लैश गाइस, मैं अभी पागल हूँ, एक नंबर का अपने बल्बसोर को फेंट कर दिया मैंने। ओ बस ये भी गया, अब तो मग के ऊपर ही है सब कुछ। वैसे भी जरा सी एचपी है, मग चाहे तो हरा सकता है। तो गाइस, ये पहले अटैक कर रहा है, तो ये पॉइजन हिट हुआ है, तो तब पॉइजन हिट होने के बाद भी एक एचपी बच गया गाइस इसकी। तो फाइनली इसको हमने हरा दिया इन दोनों को, इन दोनों की बैटल अब सुलझ जाएगी। तो ये बोल रहा है मैं अपना जिम बना दूंगा, पता नहीं क्या बोल रहा है ये। तो गाइस चलते आगे। तो इधर से पहले मैं एक बार पोकेमॉन हील करा के आता हूँ अपने। A few moments later. तो गाइस, मैंने अपने पोकेमॉन हील करा लिए हैं, तो जल्दी से अब ऊपर की तरफ चलते हैं। तो गाइस, एक यहाँ पे पोकेमॉन अपीयर हो गया, तो इसको जल्दी से रन करते हैं। और अब एक सुपर रिपल भी लगा लेंगे, इतने खरीद के रखे हैं तो यूज़ तो करना चाहिए। तो एक सुपर रिपल लगा लेते हैं। तो अब आगे की तरफ चलते हैं, तो इधर एक छोटा सा घर है, इसके अंदर भी जाकर देखते हैं। तो बड़ी मुश्किल हो रही है इसके दरवाजे में ही घुसने में। तो यहाँ टीम रॉकेट है, टीम रॉकेट को भी जल्दी से हरा देते हैं। तो ये अपना फालतू का डायलॉग बोल रही है। तो इनके पोकेमॉन इवॉल्व हो गया गाइस, आरबुक और वीजिंग बन गया होगा जरूर। तो गाइस मतलब इनके लिए तो अच्छी बात है, हमारे लिए नहीं है क्योंकि अब तो हमारी हेल्थ और भी ज़्यादा खाएंगे। तो गाइस जल्दी जल्दी इनको हरा देते हैं। तो गाइस एक अटैक ही मारते हैं क्योंकि सारे के सारे अटैक बिल्कुल चिल्लू भर डैमेज दे रहे हैं गाइस, बिल्कुल इतना कम डैमेज कि क्या ही बताओ। मतलब इसकी लेवल इतनी ज़्यादा है तब भी ये अपने से इतने कम लेवल के, 5 लेवल कम है गाइस इसकी, 5-4 लेवल कम है, और तब भी मतलब ये हरा नहीं पा रहा। तो इसने डिक कर रहा है, तो बॉडी स्लैम तो मार नहीं सकते, इसने डिक कर दिया हमारे पोकेमॉन पे। तो इसने फिर से डिक करा है, तो चारिज़ार्ड को भेजते हैं। चारिज़ार्ड क्योंकि फ्लाइंग टाइप भी है तो नहीं, अच्छी बात है, हमारे स्ट्रेटजी थोड़ी काम आई।
तो अब दूसरे पोकेमोन को देखते हैं, पिकाचू को लेके जाते हैं। तो जल्दी से पिकाचू को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका वीजिंग है, तो इस पे डिस्चार्ज अटैक करता है। डिस्चार्ज वैसे पहले गेम्स में ना डिस्चार्ज से में रिकॉइल अटैक भी मिलता था, मतलब डैमेज, इसमें तो नहीं मिला। स्पार्क देखते हैं, स्पार्क से भी नहीं हुआ ज़्यादा फर्क पड़ा। तो एक बार इलेक्ट्रो बॉल भी मार देते हैं। हमारा पिकाचू फेंट हो गया है, तो अब क्या कर सकते हैं, तो स्कॉटल निकालते हैं, बाइट अटैक यूज़ करवाएंगे इससे। तो इसने हमारा हम पे स्लज बॉम्ब मार दिया है, तो इसकी वजह से बस हम पॉइजन ना हो तो अच्छी बात है, हम पॉइजनेट नहीं हुए, बाइट अटैक यूज़ करा था हमने। तो एक और बार फेंट हो गया गाइस, क्या कर सकते हैं, जरा सी एचपी को बचा था वो। तो बल्बसोर को निकालते हैं अब, तो इस पे रेजर लीफ मारते हैं। तो रेजर लीफ का भी कोई मतलब इसका हमारे किसी भी पोकेमोन का डैमेज जा ही नहीं रहा इस इन पे। तो एक बार एनर्जी बॉल भी यूज़ करते हैं। तो फाइनली गाइस हमने वीजिंग को तो हरा दिया, अभी भी दो पोकेमोन बचे हुए हैं टीम रॉकेट के। तो लिकीटंग है, लिकीटंग को भी शायद हम हरा देंगे, एनर्जी बॉल ही मारते हैं इसके ऊपर। तो अच्छा खासा डैमेज दिया, टिक टाक है, ज़्यादा कुछ खाक नहीं है। तो एक और बार मारेंगे तो फेंट हो जाएगा शायद, हमारा बल्बसोर ही ना फेंट हो जाए। तो हमने लिकीटंग को भी हरा दिया फाइनली। तो इसका लास्ट पोकेमोन है विक्ट्री वेल को भी देखते हैं एनर्जी बॉल से हरा पाएंगे या नहीं। तो जरा सा यह डैमेज दिया गाइस, इसने तो हमारा अच्छा बच गया। तो सीड बॉम मारते हैं, सीड बॉम का भी मतलब किसी भी अटैक का कोई डैमेज नहीं गाइस, लेवल अप लूवल कोई मायने नहीं करता। ये तो बस वही एनिमे वाली बात कर दी, लेवल कुछ मायने नहीं रखता, बस पोकेमोन वो होना चाहिए। अब क्या ही बताऊँ मैं गाइस। तो फ्लेम थ्रोअर मारते हैं इसके ऊपर, तो सही है गाइस हमने हरा दिया कम से कम टीम रॉकेट को। तो गाइस एक बार मैं पोकेमोन को हील करा के आता हूँ जल्दी से, क्योंकि पोकेमोन की हालत पतली हो गई और मिस्टी भी लगता है मेरे को बैटल करेगी। तो मैंने अपने पोकेमोन हील करा लिया गाइस, तो पता नहीं हमें किस तरफ जाना था, इसी तरफ जाना है। तो जल्दी से ऊपर चलते हैं, मिस्टी से बात करते हैं। ओ तो तुम फिर से यहाँ आ गए, अच्छा चलो एक बैटल करते हैं। तो ये हमसे फाइट करना चाहते हैं गाइस, तो इसके पास 5 पोकेमोन्स हैं। तो एक स्काई अटैक मारते हैं इसके ऊपर, तो लगता तो नहीं है एक बार में फेंट हो जाएगा। तो एक बार में फेंट कर देगा गाइस, पिजोटो के लिए कितनी ज़्यादा बड़ी बात है ये, एक ही बार में मतलब यार एक HP का बच्चा भाई, एक HP में उसने मारी इतनी ज़्यादा हेल्थ खा ली। तो गाइस मेरे को लगा फेंट हो गया है, पर एक HP का बचा था। स्टार यू को भी देखते हैं हरा पाते हैं नहीं, तो मेरे को लगता तो नहीं है एक बार में जाएगा। स्टार यू तो गया नहीं गाइस, हमारा पोकेमोन फेंट हो गया। तो अब तो बस पिकाचू के भरोसे है सब कुछ, पिकाचू देखते हैं। पिकाचू ने हरा दिया स्टार यू को, तो अब स्टारमी की साइडक है ये, तो साइडक भी वाटर टाइप पोकेमोन, तो हम हरा ही देंगे। तो जरा सी HP का बचा है, तो बस हम फेंट नहीं होएगा वैसे, तो साइडक में इतनी दम तो है नहीं। वैसे साइडक अगर अपने गुस्से वाले मोड में आ गया तब तो पूरी ऐसी तैसी कर देगा। तो स्टारमी है, स्टारमी के ऊपर डिस्चार्ज मारते हैं, तो एक डिस्चार्ज और मारेंगे। तो फिर जल्दी से एक और डिस्चार्ज मार देते हैं। तो अब हम इसको हरा चुके हैं, तो हमने स्टारमी को तो हरा दिया है। तो अब हॉर्सी भी बचा है इसके पास, कितने पोकेमोन पता नहीं, तो 5 थे, हाँ मैं भूल जाता हूँ गाइस बार बार। तो हमने हॉर्सी को भी हरा दिया है। टोगेपी ने मुझे चुना है, सॉरी ऐश। तो टोगेपी से भी बात कर लेते हैं गाइस। टोगेपी, तो गाइस मुझे तो लगता नहीं है हमारे साथ जाएगा, तो हम कभी ना कभी तो टोगेपी को भी पकड़ेंगे। तो गाइस जल्दी जल्दी में इससे बैटल करनी पड़ेगी अब। तो ये दो ही पोकेमोन है इसके पास भी, तो फारफेच को तो हम हरा देंगे जल्दी से। तो इसके ऊपर जल्दी जल्दी अटैक मारते हैं कवाटेल, अच्छा एक और मार देते हैं। तो हमने इसको हरा दिया है। तो इसका सेकंड पोकेमोन वोल्टॉर्ब है, तो हम मग को भेजते हैं। तो इसने अपने आप को ही फोड़ लिया, इसने हमारा काम आसान कर लिया। तो जरा सा डैमेज मिला है, फिर भी कोई बात नहीं, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इससे लास्ट बैटल करनी पड़ेगी लगता है हमें, फिर ही हम अंदर जा पाएंगे।
तो इसका पहला पोकेमोन पैरासेक्ट है, तो इसको भी जल्दी से हरा देते हैं। तो इस पर ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है मूव्स, तो वाटर गन वाटर पल्स भी मारते हैं, तो ऐसे ये भी इफेक्टिव नहीं है। तो बाइट कर लेते हैं, तो बाइट भी नहीं है कुछ ढंग का, मतलब मूव ही नहीं है। तो पिकाचू को भेजते हैं, तो इसके ऊपर स्पार्क अटैक यूज़ कर लेते हैं। तो इसने पहले मारा का फेंट ना हो जाए, तो फेंट नहीं हुआ, तो थंडर बोल्ट मारते हैं। तो ये भी ज़्यादा कोई मतलब कोई भी अटैक इफेक्टिव ही नहीं है गाइस, हमारे पोकेमोन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगते हैं। तो मक को भेजते हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो इसने टॉक्सिक तो कर दिया है, तो हमारा पोकेमोन भी सो चुका है। तो अब हम कोई अटैक तो कर नहीं सकते, पर पॉइजनेट होने की वजह से वो अपने आप ही डैमेज लिए जा रहा है। तो हमारा पोकेमोन भी उठ चुका है, तो बॉडी स्लैम मार देते हैं। तो हमने उसको हरा दिया फाइनली। तो इसका सेकंड पोकेमोन देखते हैं, तो इसका सेकंड पोकेमोन पर्शियन है। तो इसके इसने हम पे पहले अटैक यूज़ करा, तो एनर्जी बॉल यूज़ करते हैं इसके ऊपर। तो एक और बार एनर्जी बॉल, बस हमने इसको हरा दिया। तो फाइनली हमने इसको हरा दिया, तो जल्दी से अब उस घर के अंदर जाके देखते हैं क्या हाल चाल हो रखे हैं उस घर के अंदर भी। तो इनसे बात करते हैं। मैंने उस आखिरकार ढूंढ लिए जिसके लिए मैं इतनी दूर से इंतज़ार कर रहा था। तो इसने हमें वर्मिलियन टिकट दिया, तो जल्दी से हम अपने घर पहुँचते हैं, मतलब पोकेमोन सेंटर। तो गाइस मैं इधर पोकेमोन सेंटर में आपसे मिलता हूँ। तो गाइस हम फाइनली पोकेमोन सेंटर तो आ चुका है, तो मैं अपने पोकेमोन जल्दी से हील करा लेता हूँ। तो मैंने पोकेमोन हील तो करा लिया है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो बाकी का हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय गाइस, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।